स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड पार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम अपनी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं और इस वीडियो में जो है हम इसका क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड पार्ट को करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 4.1 एक्सरसाइज है, तो इसको हम करते हैं। तो इसमें बोला गया है हमें कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो इसने हमें इक्वेशन दी है वो कह रहा है कि इसे चेक करना है हमें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो इसको हम चेक करके देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन गिवन डैट ये जो इक्वेशन हमें दी है हम लिख लेते हैं एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसके बाद इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है उससे हम कंपेयर करके देखेंगे और तब हम उसको चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे कि हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनको आपस में, और इधर जो है इधर भी हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं इसको, तो ये एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस एक्स। अब ये तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इससे कर दिया और इससे कर दिया। अब माइनस टू को जो है हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस टू इंटू एक्स, ये हो जाएगा माइनस टू एक्स। और माइनस टू जो है वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस टू हो जाएगा इज इक्वल टू, ऐसे हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स से करेंगे पहले मल्टीप्लाई, फिर थ्री से करेंगे, फिर वन को एक्स से करेंगे और फिर थ्री से करेंगे। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थ्री एक्स हो जाएगा। और अब माइनस वन से हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस वन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का एक्स हो जाएगा, और माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे वन को तो माइनस का थ्री हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स है और माइनस का टू एक्स है। ठीक है, यानी कि माइनस के टू एक्स में से एक्स गए तो ये हमारे पास माइनस एक्स बचा, और माइनस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स, यानी कि थ्री एक्स में से एक्स गया तो ये हो गया हमारा टू एक्स, प्लस का टू एक्स और माइनस थ्री। अब इसको हम जनरल फॉर्म में लेके आते हैं, तो जनरल फॉर्म में लाने के लिए जो है ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स, और ये जो है टू एक्स जो है ये इधर आएगा तो ये माइनस का टू एक्स हो जाएगा, और माइनस टू, और ये माइनस का थ्री है ये जब इधर आएगा तो ये प्लस का थ्री हो जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब ये प्लस का एक्स स्क्वायर है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस टू एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस टू एक्स, ये हो जाएगा थ्री माइनस के थ्री एक्स, तो माइनस थ्री एक्स, और माइनस के टू प्लस थ्री, यानी के थ्री में से टू गए ये हो जाएगा वन, प्लस का वन इज इक्वल टू ज़ीरो। या ये भी हो सकता है, माइनस हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये अगर हम देखें अगर उससे मिला के इसकी जनरल फॉर्म से, तो ये तो लग नहीं रही क्योंकि हमारा जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो है ये लीनियर इक्वेशन बन रही है क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, यानी कि ए जो है इसमें जीरो है, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो इसमें हम लिखेंगे इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि यहाँ जो है एक्स स्क्वायर जो है एक्स की जो डिग्री है टू है वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सीधा एक्स है, तो ये इससे नहीं मेल खा रही, ठीक है ना। तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये जो है 3x-1 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये लीनियर इक्वेशन बनी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमने लिखा कि इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, हमने इस जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका थर्ड पार्ट है उसको इस तरीके से करा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए। और स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने साथियों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो है आपको मेरे जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे अपने साथियों के साथ मिलके। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट को करेंगे, और तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, थैंक्स।